गुड इवनिंग गाइस, आई होप ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सबको पता है कि हम लोगों का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। अब हम फैब का करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे। अभी तक जितना करंट अफेयर हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवर किया था, जितने तो जनवरी का करंट अफेयर, एंड स्टार्ट करेंगे आज से हम फैब का करंट अफेयर। ओके, आई थिंक इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। एंड माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा, वेलकम बैक टू करियर कोर्स। लेट स्टार्ट द टर्म्स ऑफ द टर्म्स इन द फैब करंट अफेयर्स एंड थिंग्स इन द करंट अफेयर्स। लाइक एपिलिस थिंग थी, क्या था? एक नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम थी, एक नर्वस सिस्टम इश्यूज थे। सेकेंडरली जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी इम्पोर्टेड फूड क्रॉप्स है वो हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। फिर एयरलाइन मैपिंग ऑन द ओशन फ्लोर्स पे जो एयरलाइन मैपिंग थी, दिस बस ये। और एक है नेशनल टेक्नोलॉजिकल अवार्ड, किस किस को मिले, क्या क्या अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट्स इट। ये हम लोगों का आज का पूरा टॉपिक रहेगा जो हमें कवर अप करना है, ठीक है। तो क्या क्यों ये न्यूज में आया टर्म? ये टर्म न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इट इज द मेजर ड्रग मेकर एज ए डेवलप्ड इन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और ये जो है द एंड द फिनिश डोज फॉर्मुलेशन ऑफ बायोनेक्स्ट ए ड्रग फॉर द एलिप्स, क्लियर। अभी क्या चीज़ है ये? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो किस चीज़ पे वर्क करता है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी में उसको एबनॉर्मल करना, कॉन्शियसनेस में चले जाना, या फिर अनयूजुअल बिहेवियर शो करना, सेंसेशन होना, एंड समटाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये मेन कुछ पॉइंट है जिन पे ये वर्क करता है, की पॉइंट्स हैं। सेकेंड इज ए फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है पीपल को उनकी एजेस में, एज में अफेक्ट करता है। Everyone can develop this, but it's more common in the young children. सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये किस चीज़ में होता है, हर किसी में भी डेवलप हो सकती है प्रॉब्लम, बट मोस्टली जो है यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, मतलब जो यंग बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, या फिर जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, मतलब जो थोड़े बूढ़े एडल्ट में काउंट होते हैं उनमें। एंड इट अकर्स स्लाइटली मोर इन मेल देन द फीमेल, मेल्स में ज़्यादा एज कम्पेयर टू द फीमेल। सिम्टम्स क्या होंगे? सेंस ऑफ टेस्ट थोड़ा डिफर हो जाएगा, स्मेल, ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम, साइट, हियरिंग, कान सुनने में प्रॉब्लम, टच, ड्रीजीनेस, ठीक है, एंड ये लिम्स वगैरह की प्रॉब्लम, अनरिस्पॉन्सिवनेस, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव मूवमेंट्स होना, ये सब ज़्यादा क्रिएट होंगे। एंड इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व लॉस ऑफ द अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। अब ये चीज़ जब ये प्रॉब्लम किसी को होती है, ठीक है, अब जैसे ये तो आपको सब सिम्टम्स पता चल गए ना कि ये इन सब चीज़ों के सिम्टम्स हैं। लाइक आपको किसी चीज़ का टेस्ट ना आना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मेरे को तो, ठीक है। देन स्मेल पता ना चलना, आपको दिख नहीं पा रहा है तो आप लोग दिख नहीं दिख पाना भी एक सबसे बड़ी डिसऑर्डर बोलूँगी, या नहीं दिख पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस पर मैं एक स्टोरी बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुई थी। कुछ टाइम था, कुछ फैमिली फंक्शन थे, देन मेरी आई में कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन नहीं बोल सकती हूँ मैं, मतलब कुछ मेकअप के लैशेज वगैरह कुछ लग गया, जिससे उस आँख में इतना ज़्यादा आई में उस प्रॉब्लम हुआ। एंड देन आफ्टर 10 to 12 आवर मेरी आई जो है वो बिल्कुल बंद हो गई, मतलब टिल ये बिल्कुल क्लोज, मतलब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। और ये प्रॉब्लम एक आई के साथ नहीं, मेरी दोनों आईज के साथ ये प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन कि मतलब मेरा वो मॉर्निंग में उठना एंड नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स तक मैं हॉस्पिटल नहीं गई। एम सो स्कैड कि भाई क्या हो जाएगा, डर लगता है भाई जब आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। एंड उसमें दिखना स्टार्ट हुआ आपको आफ्टर 1 day 1.5 day बाद जो है आपकी नॉर्मल आईज ओपन हुई, आपको दिखना स्टार्ट हुआ, और जिसमें भी आपकी आईज प्रॉपरली स्वेल करी हुई है, तो सोचो कितना प्रॉब्लम होता है। इसलिए आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपकी विजन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी डिसऑर्डर से या किसी भी डिजीज में अगर विजन प्रॉब्लम होती है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योर कैसे कर सकते हैं? दे आर द नो क्योर, उसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है, बट द डिसऑर्डर कैन बी मैनेज विद मेडिकेशन एंड द अदर स्ट्रेटेजी। ये बीमारी का कोई भी तरीका नहीं है इसको ठीक करने का, बस इतना ये हो सकता है कि आप जो है इस डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं किससे, दवाइयों से या कोई दूसरी स्ट्रेटेजी से।
इनिशिएटिव टू रेज अवेयरनेस, इस चीज़ पे अवेयरनेस को रेज किया गया। ऑब्वियसली कोई भी ऐसी डिजीज होती है, लाइक अभी जो ऐसे कोरोना चल रहा है तो लोगों को कोरोना के लिए बहुत अवेयर किया जाता है, तो ऐसी हर डिजीज जो नई आती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। तो 2019 में जो है एक रिपोर्ट आई थी जो किसने दी, पब्लिक हेल्थ ने की, उन्होंने रिलीज वो रिलीज हुई थी कैसे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, मीन्स WHO से। इट इज़ अ फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट, पहली ग्लोबल रिपोर्ट गई थी ठीक है इस डिजीज के ऊपर, एंड समराइजिंग द अवेलेबल एविडेंस ऑन द बर्डन ऑफ दिस एंड द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड एट अ ग्लोबल, रीजनल एंड द नेशनल लेवल्स। जितनी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक APIs जो है, APIs वो क्या है, वो बल्क ड्रग्स हैं ठीक है, वो सफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली इंग्रेडिएंट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द ड्रग ठीक है, बहुत सारे होते थे। चाइना इज़ द हब ऑफ द API मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। चाइना क्या है, एक हब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं किसकी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंडिया जो है वो हैवीली इम्पोर्ट और इम्पोर्ट डिपेंडेंट है फॉर API। ये किस चीज़ पर डिपेंड है, सारा चाइना पे डिपेंड है इंडिया जो है मेडिसिन के लिए, क्योंकि इंडिया API इम्पोर्ट स्टैंड एट द अराउंड 3.5 डॉलर बिलियन पर ईयर, एंड अराउंड इज 70% और $2.5 बिलियन कम फ्रॉम द चाइना। अब जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म एज ए इम्पोर्टेड फ्रॉम द फूड क्रॉप, या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, या जिसको हम लोग GMO बोलते हैं, न्यूज़ में क्यों आए? पहली बात तो ये फूड रिलेटेड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसको हम लोग FSSAI बोलते हैं, FSSAI बोलते हैं। रीसेंट ऑर्डर हैज 1% ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन फूड कॉर्ट इम्पोर्टेड इन टू द इंडिया ठीक है। अभी जुलाई, अभी अगस्त में 2020 अगस्त में 2020 के अगस्त में से ने इशू किया था एक ऑर्डर जिसमें 22 फूड क्रॉप जो थी वो कंट्री से इंपोर्ट हो रही थी वुड बी ए नॉन GM ओरिजिन एंड कम ए GM फ्री सर्टिफिकेट, जो मतलब GM ओरिजिन नहीं है बट GM फ्री सर्टिफिकेट पे वो इशूड हो रही थी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, ये वो की वर्ड्स में की पॉइंट्स में बताती हूँ। जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होता है, वो दिन से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हु जेनेटिक मटेरियल हैज बीन आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड इन द बैक्टीरिया थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जो जिनके जेनेटिक मटेरियल जो है वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड किए जाते हैं लैब्स में थ्रू द एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ GM क्रॉप? GM क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप है विच हैज ए जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इन टू द अनदर स्पीशीज। जीन जो है किसी और स्पीशीज के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इवन द अनरिलेटेड टू गिव इट एंड सम अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज, कुछ अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज के साथ भी। और GM क्रॉप आर द मोस्टली आइदर ए प्री रेजिस्ट और द इन हाइब्रिड प्री रेजिस्ट और द हाइब्रिड टॉलरेंट ठीक है। हर्बिसाइड जो होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं ठीक है, आर्टिफिशियली इनको इंसर्ट किया जाता है। आर देयर अदर GM क्रॉप्स इन द इंडिया? नो, ना, गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव कॉमर्शियल कल्टिवेशन और ऑफ अदर GM क्रॉप। गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को अप्रूव भी नहीं किया, इट्स एफर्ट मेड फ्रॉम द ब्रिंजल एंड मस्टर्ड ठीक है। एंड व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट GM क्रॉप? कब इंडिया ने पहला GM क्रॉप लिया था? तो जो पहला GM क्रॉप अप्रूव हुआ था कॉमर्शलाइजेशन में वो होता है BT कॉटन ठीक है, जो प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पिंक ब्लो मैरो एंड डेवलप बाय दिस वॉज गिवन द गो हैड इन द 2002 में, और मोनेस्ट्रो रिलीज किया था इसको 2006 में। इंडिया हैज द बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन पार्टी एंड ड्यू टू द BT कॉटन जो विच अकाउंट टू ओवर द 90% ऑफ टोटल कॉटन एकरेज इन द कंट्री। ये क्रिएट किया कॉम्बिनेशन प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया वायरसेस जीन से एंड दे डू नॉट अकर इन द नेचर जो नेचर में नहीं है थ्रू द ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं, जो कन्वेंशनली प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व होती है क्रॉसिंग करने में स्पीशीज को ऑफ द सेम जीनस टू प्रोवाइड करती है ऑफ स्प्रिंग को विद द डिजायर्ड ट्रेट ऑफ द बोथ पेरेंट। जीन क्या है, एक टाइप का क्लास ऑफ आइटम है सच एज अ ग्रुप ऑफ एनिमल प्लांट विद अ सिमिलर ट्रेट क्वालिटी ऑफ द फीचर।
बीटी कॉटन इज द ओनली द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम एक ही है जो बीटी कॉटन क्रॉप है जो इंडिया में अलाउ किया गया था. इट हैज़ ए एलील जीन फ्रॉम द सॉइल. कौन सी सॉइल? बेसॉइल बैक्टेरियम बेसिलस थ्राइनोजिनेसिस. बीटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो अलाउ करते हैं टू अलाउ द क्रॉप टू अलाउ द क्रॉप टू डेवलप ए प्रोटीन टॉक्सिन. जिससे क्या क्रॉप के डेवलप करती है प्रोटीन टॉक्सिन को डेवलप करती है टू द कॉमन पेस्ट पिंक बोल मैरो. बीटी ब्रिंचल जो अलाउ किया गया था जीन अलाउ द प्लांट टू रेजिस्ट अटैक ऑफ द फ्रूट एंड शूट बॉल. ऐसे DMH11 मस्टर्ड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो अलाउ करता है क्रॉस पॉलिनेशन होने में क्रॉप्स में एंड सेल्फ पॉलिनेटेड होता है नेचर. लीगल पोजीशंस क्या हैं जीएम क्रॉप्स की इन इंडिया? इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई अप्रेजल कम्युनिटी जो GEAC है इज द एपेक्स बॉडी जो अलाउ करती है आपके कॉमर्शियल रिलीज को किस चीज़ के जीएम क्रॉप के. जो भी यूज ऑफ अनप्रूव्ड जीएम वेरायटी है वेरिएंट जितने भी हैं कैन अट्रैक्ट ए जेल थ्रू टर्म ऑफ द 5 ईयर एंड फाइव इज ए फाइन. कितना है जो अनअप्रूव अगर आप जीएम वेराइटीज़ को ट्रेड कर रहे हो जीएम वेराइटीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 साल की सजा हो जाती है और 1 लाख रुपये फाइन होता है. किसके अंगेंस्ट आपको किसको देना होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू. ये कब आया था? ये जो आपको न्यूज़ दी है मतलब न्यूज़ नहीं बोलूँगी ये जो रूल है वो 1986 का. जो रेगुलेशन है इम्पोर्टेड क्रॉप्स के जिसमें द टास्क ऑफ द रेगुलेटिंग जीएम लेवल इन इम्पोर्टेड कंज्यूमेबल विद इनिशियली विद द जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कम्युनिटी. इट इज ए रोल एज ए डायल्यूटेड विद द एनेक्टमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इज ए 2006 में फसाई वॉज ए आस्क टू टेक ओवर अप्रूवल ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स. फसाई ने उसके बाद क्या किया उसका टेक ओवर ले लिया. ठीक है अब एयरलाइन मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर क्या चीज़ है क्यों ये आया. जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसको ENCOIS बोलते हैं इसे प्लानिंग उन्होंने प्लानिंग करी कि वो कंडक्ट कर लें एयरलाइन की मैपिंग को कहाँ पे वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड में या और लक्षद्वीप के अंदर. इट इज़ ए बेस्टर पिक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर. वहाँ पे एक ओशन फ्लोर की एक बहुत अच्छी पिक्चर है. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लोकेटेड है इन द अरेबियन सी में वो लोकेटेड है. दीज आर द कोरल आइलैंड. ठीक है ये क्या है कोरल आइलैंड है जो लोकेटेड है कोस्टल ऑफ केरला. केरला में लोकेटेड है कोस्टल ऑफ द लेक केरला. और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है दीज आर सदर्न ईस्ट ऑफ द इंडिया एंड मे लैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है सॉरी गाइस सॉरी इट्स माई मिस्टेक. ठीक है तो ऐसे कीवर्ड में अब अगर हम आते हैं ICOIC के बारे में तो ICOIC क्या है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ये क्या है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. किसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है. लोकेटेड कहाँ पे हैदराबाद में लोकेशन है. स्टेब्लिश कब हुई थी 1999 में. ये क्या है यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की ESSO न्यू दिल्ली की. ESSO जो है वो ऑपरेट कर रहा है एंड एग्जीक्यूट करता है द आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और जो फॉर इट्स अ पॉलिसी एंड द प्रोग्राम. रीसेंट इनिशिएटिव क्या है जो INCOIS है मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. उन्होंने एक हेल्प ली किसकी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की. ठीक है जिसको बोला INRSC उसकी हेल्प ली और उन्होंने कंडक्ट किया पैथ्रोमेट्रिक स्टडी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप. INRSC जो है इट इज़ अ प्राइमरी सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो का ही एक प्राइमरी सेंटर है और किसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी एक प्राइमरी सेंटर है. ठीक है अब पैथ्रोमेट्री क्या होता है ये स्टडी है बेड्स के बारे में पढ़ना फ्लोर्स के बेड्स ऑफ फ्लोर्स. किसके बेड ऑफ फ्लोर जो भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके बेड एंड फ्लोर के बारे में पढ़ना. बेड ऑफ फ्लोर किस चीज़ का आप इंक्लूड कर सकते हो लाइक ओशंस के बेड एंड फ्लोर हुए रिवर्स के बेड एंड फ्लोर हुए. ठीक है स्टीम्स के लेक के इन सब के बेड एंड फ्लोर के बारे में स्टडी करना उसके बारे में पढ़ना. ठीक है अब जो टर्म है दिस इज़ अ बाथरीमेट्री वो ओरिजिनली रिफर्ड हुई थी टू द ओशन
डेप्थ एंड रिलेटिवली टू द सी लेवल। रीसेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया? IMCOI इज प्लानिंग टू टेक द हेल्प ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। उन्होंने सोचा कि हम प्लान करते हैं कि हम हेल्प कर सकें, कि ले सकें, कर सकें किसकी? नेशनल रिमोट सेंसरिंग सेंटर की, टू कंडक्ट द बाथीमेट्रिक स्टडी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप। उनको उसके बारे में वहाँ के स्टडी करनी थी, बैट्स ऑफ फ्लोर के जो भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ की, उनके बैट्स ऑफ फ्लोर्स के बारे में स्टडी करनी थी, उसके बारे में उन्होंने ये चीज़ सोची। NRSC जो है, मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, वो प्राइमरी सेंटर है किसका? इसरो का और DOS का, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का। ठीक है, अब जो NRSC है वो ऑलरेडी डन द सिमिलर रिजोल्यूशन टोपोग्राफिक बोन एयरबोन लेजर ट्रिमिंग मैपिंग फॉर द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द कंट्री। ALTM जो है, जिसको हम लोग एयरबोन लेजर टेनिन मैपिंग बोलते हैं, इसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो एम्प्लॉय करती है लाइट के डिटेक्शन को एंड रेंजिंग को, जिसको हम लोग बोलते हैं LIDAR। ठीक है, LIDAR जो है, दिस इज अ मेजर टोपोग्राफिक एट ए हाई स्पिरिचुअल रिजोल्यूशन ओवर द लार्ज एरिया। ALTM जो होता है, ALTM जिस द प्लस एट ए लेजर टू मेजर द रेंज बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द अर्थ सरफेस एट ए मैनी थाउजेंड ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। अगर आप किसी भी रिमोटिंग मिरर्स वगैरह को यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं उनकी अदर्स के स्कैनिंग मैकेनिज्म को, तो आपको क्या दिखाई देंगे? एक लेज़र ट्रांसमीटर दिखाई देंगे और एक और लेज़र प्लसेस दिखाई देंगे, कैन बी मेड टू द स्वाइप। Mechanism inside the laser transmitter and the laser pulses can be made to swipe through their angle, tracing out a line or other pattern to the reflecting surface. जो भी साइंटिस्टिक एरिया है वहाँ पे प्रोसेस की जाती है, इंटीग्रेटेड किया जाता है किस चीज़ को? डेटा फॉर द 3D मल्टी हेजार्ड मैपिंग ऑफ द बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल लाइन फॉर द मोर प्रीशियस पिक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या आते हैं? ऐसी स्टडी दिस बिकम ए मोर इम्परेटिव व्यू ऑफ द रीसेंट जो अब सुनामी आई थी उस टाइम की वार्निंग पे दी गई थी। रिसेंटली इंडोनेशिया कोस्टल में मोर देन द अर्थक्वेक रिलेटेड हाई वेव्स आई थी, जब इतना सारा लैंडस्लाइड हुआ था, डैमेज हुआ था, तब भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। दूसरे इनिशिएटिव क्या ही हैड ही इट हैड ऑल्सो आइडेंटिफाइड गैप अक्रॉस द कोस्टल ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा फॉर इंस्टॉलिंग मोर टाइट ग्रज फॉर अंडर मॉनिटरिंग द सी एंड मोर एक्यूरेट प्रडिक्शन ऑफ द डिजास्टर लाइक साइक्लोन। मतलब उसके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच के कोस्टल में इतना गैप है, उसको भी मॉनिटर किया गया, उस सी को भी मॉनिटर किया गया, वहाँ पर भी एक एक्यूरेट प्रडिक्शन दिया गया कि वहाँ पर भी डिजास्टर लाइक कुछ हो सकता है, लाइक साइक्लोन भी आ सकता है। INCOI के साइंटिस्ट उन्होंने एसोसिएशन में बोला विद देयर काउंटर पार्ट ऑफ इन द चाइना बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी मीन्स INOT एंड द यूनाइटेड स्टेट इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एजेंसीज ने बताया दिस इज बेस्ड ऑन द वुड होल ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट हैज़ बीन माइनिंग द डेटा रिकॉर्डेड बाय द यूनिक एंड रिटायर्ड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ऑफ द कोलकाता कोस्ट। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए सिमिलर सी बैट जो होते हैं 2030 में इस कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द ये फाउंडेशन ऑफ जापान एंड ओशन के साथ किया गया। द प्रोजेक्ट एम बिंग टुगेदर ऑल अवेलेबल सारे अवेलेबल है बायोसिमेट्रिकल डेटा जो प्रोड्यूस करता है एक डिफाइंड मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय द 2030 और मेक करता है एक रिवलेबल फॉर्म। गाइज एक सेकेंड ना गाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अब आता है नेशनल टेक्नोलॉजी। गाइस अभी भी मैं ज़्यादा नहीं क्लास ले पाऊँगी मेरे विज़न की प्रॉब्लम की वजह से, अभी भी मेरी आईज में इन्फेक्शन है तो मेरे को बहुत पेन होता है।
ठीक है, तो अभी ये तीन टॉपिक हम आज कवर करेंगे, नेक्स्ट कल की क्लास में कवर करेंगे। तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड क्या है 2020 के, 12 कंपनी थी जिसको सेलेक्ट किया गया था नेशनल नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए 2020 में फॉर द सक्सेसफुल कम दिस ऑफ द इनोवेटिव इंडिगेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अवार्ड कंफर्म किया गया था, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड ने इन चीज़ को कंफर्म किया। एवरी ईयर हर साल जो है TDB जो है वो एप्लीकेशन देता है नेशनल अवार्ड के लिए, और नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, MSME के बेसिस पे या स्टार्टअप्स के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, नेशनल अवार्ड फॉर द सक्सेसफुल कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जिसमें वो सक्सेसफुली डेवलप हो गए हैं, कॉमर्शलाइज हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। इस केस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स आते हैं, वो कंपनियां जिनका वो मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत अच्छी है, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ईच एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ 25 लाख एंड द ट्रॉफी। नेशनल जो नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, जो नेशनल अवार्ड मिलते हैं जिनको MSMEs भी इसको बोलते हैं, उनको 15 लाख रुपए अवार्ड दिया जाता है। इसे कैटेगरी गिवन टू सेलेक्ट द MSMEs इज अ सक्सेसफुली कॉमर्शलाइजेशन एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनको 15 लाख रुपये मिलता है एज ए अवार्ड प्राइस। ठीक है, थर्ड इज ए नेशनल अवार्ड फॉर द टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप जो होता है, ये अवार्ड जो दिया जाता है वो किसी भी स्टार्टअप को दिया जाएगा फ्रॉम द प्रोमिसिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द पोटेंशियल एंड कॉमर्शलाइजेशन। कैश अवार्ड 15 लाख रुपए मिलता है उसमें भी, और ये अवार्ड कन्फर्म होता है वेरियस इंडस्ट्रीज से प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म, इंडियन इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हो सकते हैं, वर्क टीम हो सकती है, या कोई भी इनोवेशन है उस मार्केट से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड से। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोर्ड होते हैं वो इस चीज़ पे स्टडी करते हैं, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इंडियन फंक्शनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो है जो इस्टेब्लिश हुए थे 1996 में, वो आपको प्रोवाइड कराती है, पूरा फाइनेंस असिस्ट करती है कंपनी वर्किंग पे, कॉमर्शलाइजेशन पे, उसके टेक्नोलॉजी पे, उसके डोमेस्टिक एप्लीकेशंस पे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो आता है 11 मई को ऑर्गेनाइज करते हैं हर ईयर कॉन TDB, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TDB इज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, आत्मनिर्भर भारत हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत है क्या, द टेक्नोलॉजिकल बोर्ड इज ए बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जो फंक्शन करती है कि इसके किसके अंडर, डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वर्क करती है। स्टैब्लिश हुई थी 1996 में, प्रोवाइड करती है पूरा फाइनेंशियल असिस्ट करेगी, कॉमर्शलाइजेशन करेगी, अडॉप्शन करेगी, जो भी डोमेस्टिकल एप्लीकेशन है वो सारे वर्क करेगी। ठीक है, तो ये था गाइस आपका थोड़ा सा पार्ट, आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत जो भी बचा होगा मैं ट्राई की कल मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, जीए मॉडिफाई में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप क्लास के मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे थोड़ा विजन प्रॉब्लम है गाइस, मेरे को इतनी ज़्यादा देर में नहीं देख पाती हूँ अभी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी पूरा पूरा कि मैं आपको रेगुलर क्लास दे पाऊँ और पूरे टाइम की दे पाऊँ। अभी मैंने आपके लिए पूरे 4 to 5 अराउंड बना दिए थे टॉपिक्स, तो 4 and 5 minutes 4 and 5 के अराउंड के तो कंप्लीट हो गए हैं, 4 to 5 टॉपिक्स हो गए करंट अफेयर्स की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और गाइस ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर मंथ में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों ही मिला करेंगे, हम दोनों को ही टोटली कवर करेंगे। जो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कभी कोई मंथ में कोई चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए, किसी मंथ में कोई चीज़ लेट ख़त्म हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है टॉपिक्स और कितने लंबे जा रहे हैं क्या चीज़ें, बट ये टॉपिक्स इतने लंबे जाते नहीं है, बट आई जस्ट थिंक कि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लाइक GM मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अब किसी स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको पता ही नहीं हो GM मॉडिफाइड है क्या, तो आई जस्ट थिंकिंग कि मैं पहले जो है अब अलग से एक इंट्रो पार्ट एड ऑन करूँगी हर टॉपिक से रिलेटेड, जो ऐसे टॉपिक होंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी निकला तो 101% मैं वो टॉपिक को एड ऑन किया करूँगी, पहले उसका इंट्रो पार्ट एड ऑन करेंगे, फिर उसकी न्यूज़ क्या है, उसके बारे में क्या है, वो हम बाद में पढ़ा करेंगे।
क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, तो पहले उनकी स्टडी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको एक बार पता चल जाए कि भाई वो चीज़ें होती क्या हैं, तब तो हम उनके बारे में आगे पढ़ सकते हैं ना, हमें समझ में आ सकता है इजीली। तो फर्स्टली हम लोग ये किया करेंगे आपसे, हम कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो फर्स्टली मैं उसके बारे में आप एक इंट्रो पार्ट दिया करूँगी। देन उसके बाद जब वो इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी का पोर्शन एंड बाकी का पार्ट, लाइक क्वेश्चन आंसर कर मतलब क्वेश्चन आंसर की पॉइंट्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें कवर अप करना। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके बाय एंड टेक केयर, सॉरी गाइस फॉर छोटी क्लासेस।